तो दोस्तों आपने गौर किया होगा कि जब भी Redmi के डिवाइस में कोई भी MIUI सॉफ्टवेयर का अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के बाद क्या होता है कि आपके मोबाइल में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे ऐप्स क्रैश का प्रॉब्लम आने लगता है, बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आने लगता है, कैमरा का इशू आने लगता है, और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपका मोबाइल डेड हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम आती है क्यों आती है, इसी के बारे में आपको क्लियर करने वाला हूँ, और इस प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम मिलता है तो उसको कैसे आप यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं कि MIUI सॉफ्टवेयर का अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम क्यों आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको पता है जो भी हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं वो अपडेट हम ऑनलाइन करते हैं, और जब भी आप कोई भी ऑनलाइन यहाँ पे काम कीजिएगा तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर तो अपडेट होता ही होता है, साथ में उसका जो भी जंक फाइल वहाँ पे क्रिएट होता है वो जंक फाइल आपके मोबाइल में चला जाता है। उसके अलावा जो पुराना वर्सन रहता है उसका भी जंक फाइल आपके मोबाइल में रहता है, और ये दोनों जंक फाइल जब यहाँ पर मर्ज होते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाता है, जैसे ऐप्स का प्रॉब्लम आ जाएगा, बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम हो जाएगा, और जब काफ़ी सारे वहाँ पर जंक बढ़ जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका मोबाइल वहाँ पर डेड हो जाता है। तो दोस्तों यही कारण है जिसके चलते आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे तीन ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आप इस प्रकार के प्रॉब्लम से यहाँ पे बच सकते हैं, और अगर आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होता है तो लास्ट वाला जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ उस ऑप्शन को ज़रूर आप वहाँ पर फॉलो कर लें। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल के स्क्रीन को ऑन कर लिया है, और ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने मोबाइल के सिक्योरिटी में चले जाना है। मोबाइल के सिक्योरिटी में जाने के बाद इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लीनर वाले ऑप्शन में आपको रेड मार्क शो हो रहा है, और उसमें जो बताया जा रहा है 935 MB, तो ये 935 MB इसमें जंक फाइल यहाँ पर भरा हुआ है, कैच फाइल यहाँ पे भरा हुआ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनेज ऐप्स में भी आपको रेड मार्क देखने को मिलेगा, बूस्ट स्पीड में भी आपको यहाँ पे रेड मार्क देखने को मिलेगा। तो ये होता क्या है दोस्तों कि ऑटोमेटिक यहाँ पे वर्क नहीं करता है, तो इसको आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट करना है। सेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर में आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है, उस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जाना है क्लीनर वाले ऑप्शन पर, इस क्लीनर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद रिमाइंड टू क्लीन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको ट्रेस साइज लिमिट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर जैसे आप दोस्तों क्लिक करते हैं तो अगर आपका यहाँ पे 100 MB या 300 MB सिलेक्ट किया हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पे 500 MB या 1 GB यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। आप सिंपली क्या करें, इसको 500 MB सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको शेड्यूल वाला ऑप्शन मिलेगा, शेड्यूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, और इसको आपको एवरी डे पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि जैसे 500 MB का यहाँ पे कैच फाइल आपके मोबाइल में क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी क्लीन फाइल है, जो भी कैच फाइल है उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कैन ऐप्स मेमोरी, इसको भी आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। ये ऑन क्यों करना है, तो जब भी आप यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी डाउनलोड कीजिएगा, और मान लीजिए कि उस डाउनलोड के थ्रू अगर कोई भी वैसा वायरस आ जाता है तो आपके मेमोरी को ये स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद आपको बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको डिलीट कर ले। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बूस्ट स्पीड का, इस बूस्ट स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको लॉक्स ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाना है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं किया हुआ रहेगा। आपको क्या करना है कि जिस एप्लीकेशन का जो कैच फाइल है अगर उसको क्लियर नहीं करना है तो सिंपली उसको आप सिंपली ऑन कर लें, और बाकी सभी को आपको यहाँ पर ऑफ करके रखना है, और उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको जाना है क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज लॉक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक टाइम यहाँ पे सेट कर लेना है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 30 मिनट का, और मिनिमम देखने को मिलेगा 1 मिनट का। आपको 30 मिनट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल को लॉक करके रखिएगा तो ऑटोमेटिक जो भी कैच फाइल है ये क्लियर होना चालू हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो जैसे आपको मोबाइल ऑफ होगा या जैसे आप मोबाइल को यहाँ पे लॉक करके रखिएगा तो 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक कैच फाइल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और जैसे कैच फाइल क्लियर होगा तो आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये दो चीज़ यहाँ पे आपको कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। अब आपको बैक होने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाटा यूजेस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है रिस्ट्रिक्शन डाटा यूजेस, इस पर आप जाए, यहाँ पे देखिएगा काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है। आपको सिस्टम एप्लीकेशन भी देखने को मिलेंगे, और ये भी एप्लीकेशन यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि जो एप्लीकेशन को आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन का आप यहाँ पर डाटा को बंद कर सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं।
मेन काम आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड कनेक्शन, इस बैकग्राउंड कनेक्शन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है 106 एप्लीकेशन। तो दोस्तों होता क्या है कि जितने भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये टोटल बैकग्राउंड नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ रहता है, तो जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन यहाँ नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो भी कैच फाइल होता है, कुकीज़ फाइल होता है, वो एप्लीकेशन में बनते रहता है और आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको उसका एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आते रहता है। आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि लॉक स्क्रीन में उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ये जो नोटिफिकेशन आता है ये बैकग्राउंड कनेक्शन के थ्रू ही आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको टोटल को यहाँ पे बंद कर देना है, आपको सिंपली एक एक करके इस प्रकार से आप यहाँ पे टोटल को बंद कर दें। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे टोटल को बंद कर दीजिएगा तो आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद अगर मैं यहाँ पे YouTube को ओपन भी करूँगा तो YouTube को ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजी तरीके से यहाँ पे YouTube को भी चला सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे YouTube भी इजी तरीके से यहाँ पे चलता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आपको अपलोड करना है वो भी आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर का बड़ा अपडेट करते हैं तो अपने मोबाइल को वाइप डाटा रीसेट कर ले। वाइप डाटा रीसेट अगर आप कर लीजिएगा तो जो भी कुकीज़ फाइल है, कैच फाइल है, वो टोटल क्लीन हो जाएगा और क्लीन होने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।